हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पूरे किताब के जितने भी टाइप्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हो, ये मेरा दावा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड से संबंधित क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी उन सभी प्रश्नों को बताएंगे जो कि बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात ध्यान से सुन लो कि इन सभी प्रश्नों को, बस मैं आप सभी खाली ये बता दे रहा हूँ कि इन सभी को प्रश्नों को तैयार कर लो, ठीक। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी अपलोड जल्दी ही कर दूंगा अपने चैनल पर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक जरूर देख लेना है। आइए, सबसे जो पहला आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना है वो है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाता है और मैक्सिमम मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल करके देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पेपर में पक्का मिलेगा। तो क्या करना है, दूरदृष्टि वाला दोस्त ये वाला टॉपिक तैयार करके जाना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में पक्का पूछता है। अगला पॉइंट टॉपिक इसी चैप्टर से संबंधित, लाइव चैप्टर से संबंधित है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, इसको भी किरण आरेख के द्वारा समझाना है। ये भी बोर्ड के पेपर में 101% गारंटी के साथ आएगा और आप सभी इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे और पछताने के सिवा आप सभी को कुछ नहीं मिलेगा अगर आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हो तो, ठीक। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आरेख खींचकर कीजिए। ओम का नियम पक्का पूछता है बोर्ड के पेपर के लिए कि भैया ओम का नियम सबसे पहले आप सभी को लिख देना है, उसके बाद इसका सत्यापन कैसे करोगे, किरण आरेख के द्वारा समझाना, फिगर के थ्रू समझाना है। अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके बताओ, तुरंत अपलोड करूँगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसको भी समझाइए। तो मोटर और जनरेटर दोनों आप सभी को तैयार करके जाना है, ठीक ना। पक्का पूछता है बोर्ड के पेपर में, गारंटी मैं दे रहा हूँ, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। आप कोई भी पेपर उठा करके देखोगे तो या तो मोटर का पूछेगा और नहीं तो जनरेटर का पूछेगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे देगा, ठीक। और दोनों में से कोई एक यहाँ पे क्वेश्चन पक्का बोर्ड के पेपर में रहता है, जैसे ये रहता है दूरदृष्टि दोष अथवा निकट दृष्टि दोष। तो ये दोनों में से एक तैयार कर लो, और नहीं तो ये दोनों में से एक तैयार कर लो, पक्का आएगा, गारंटी में दे रहा हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करिए, इसमें ब्रूसो का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कार्य को लिखना है, समझाना है। ये बोर्ड के लिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को एग्जाम्पल दे करके समझाइए, उदाहरण दे करके समझाइए। बोर्ड के पेपर में भी हमेशा पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए। ये बोर्ड के पेपर में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को तैयार करके जाना है वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल तथा क्षार की, ये मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कापर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए।
तो ये भी आप सभी को क्या करना है, तैयार करके जाना है। जितना बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो, वरना बोर्ड के पेपर में इसी में से क्वेश्चन बनेंगे और वहाँ पे रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा, फिर 90% पाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। ठीक, तो आप पड़ोसी को बढ़िया से समझाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, कुछ माँ बाप को करके दिखाना चाहते हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाओ। अगला क्वेश्चन, एक समझाती श्रेणी क्या है, एग्जाम्पल दे करके समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अब क्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है, इसको भी लिखिए, समझाइए। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे कदम इम्पोर्टेंट है, देख लो बेटा। ठीक ना, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी है, लिखना है। ठीक ना, कम से कम 10 लिखना है, कम से कम आप सभी को, तभी 7 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन बायोलॉजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के पेपर में पक्का ही आता है, इसको भी ध्यान से याद करके जाना, तैयार करके जाना, वरना बोर्ड में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यह है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, फिगर बनाना है और इसके कार्य का वर्णन भी करना है। तो दोनों क्या करना है, सबसे पहले फिगर बना दो, उसके बाद से क्या इसका रोल है इसके समझा दो। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते, यही बायोलॉजी क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र बनाकर एग्जाम्पल सहित समझाइए, यही बोर्ड के पेपर में 100% पूछा जाता है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्व परागण व पर परागण में अंतर बताइए तथा एक एक एग्जाम्पल दीजिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे, पक्का मिलेगा क्वेश्चन, तो इसको भी तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन ये है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ये कैसे करोगे, तो इसको भी तैयार करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं खाली रिपीटेड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार करना, क्योंकि परिवार नियोजन की अस्थाई विधियाँ कौन कौन सी है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। परिवार नियोजन मतलब आप फैमिली को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जनसंख्या पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में लिखना है, और कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है उसके बारे में लिखना है, और किन्हीं दो विधि पे टिप्पणी यानी कि छोटी छोटी लाइन यहाँ पे लिख देना है, आपका आसानी से 7 नंबर यहाँ से अचीव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यह है कि स्टडीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, यही बोर्ड के पेपर में कई बार और कई साल पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, फ्यूज का क्या इम्पोर्टेंस है, फ्यूज का क्या रोल है, ये बताना है। उसके बाद यही बताना है कि आवश्यक परिपथ बना करके स्पष्ट करिए कि घर में हम वायरिंग किस तरीके से करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं कि समांतर क्रम में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आप सभी को बताना है, और उसके बाद इसका परिपथ भी बनाना है। ठीक, तो दोनों अगर आप क्वेश्चन करोगे, पहले इम्पोर्टेंस बताओगे, उसके बाद फिगर बना दोगे, तभी आप सभी को 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन ये है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में जो भी कुछ नियम दिया था उसके बारे में आप सभी को नियम लिख देना है, आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ग्रुप में शेयर करना, स्टेटस लगा देना, दोस्तों तक पहुँचा देना, यही आज का आप सभी का कर्तव्य होगा, तभी मेरी भी मेहनत और आपकी भी मेहनत कबूल होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 10th और 12th के बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।